हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जतिन आश्रम, मुंबई आई केयर से ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट आई सर्जन, और आज हम डिस्कस करेंगे केराटोकोनस के बारे में। केराटोकोनस एक पुतली की बीमारी होती है जिसमें आपकी जो पुतली होती है, मतलब ये आँखों का आगे का स्ट्रक्चर जो होता है, वो धीरे धीरे पतला होता जाता है और वो बल्ज होने लगता है, मतलब वो गुब्बारे की तरह फूलने लगता है। इस स्थिति में आपकी आँखों का नंबर बहुत जल्दी से बढ़ने लगता है और साथ ही साथ आँखों का तिरछा नंबर यानी कि सिलिंड्रिकल नंबर काफ़ी बढ़ता रहता है। इस बीमारी में चश्मा डालने के बावजूद भी आपकी आंखों की नज़र काफ़ी कमज़ोर होने लग जाती है और साथ ही साथ आपको हेलोस दिखने लग जाते हैं, आपकी जो लाइनें होती है वो टेढ़ी मेढ़ी दिखने लग जाती हैं और रात के टाइम पे आपको जो लाइटें होती है वो बहुत फैली सी लगने लग जाती है। ये बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोगों का चश्मे का नंबर, जो कि सिलिंड्रिकल पावर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है। ये कंडीशन में सिलिंड्रिकल पावर बढ़ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन होती है कि आपकी आंखों में केराटोकोनस होने के चांसेस होते हैं। उसके साथ ही साथ कुछ लोगों की नज़र चश्मे से भी बहुत ही कमज़ोर रहती है और ये जब रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं या कि लेज़र की चेकअप के लिए जाते हैं तो टोपोग्राफी नामक एक टेस्ट करने पे इस बीमारी के बारे में हम जांच कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। इसमें आपकी नज़र कम होना, चश्मे का नंबर और सिलेंड्रिकल नंबर वापस बदलते रहना और चश्मा डालने के बाद भी आपको कम दिखना, रात के टाइम पे लाइट काफ़ी फैली हुई दिखना, ये सारे लक्षणों से आपको केराटोकोनस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये बीमारी कुछ डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होती है, जैसे कि कुछ लोगों को फैमिली में केराटोकोनस की हिस्ट्री होने में केराटोकोनस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके साथ ही साथ आई की एलर्जीज़ या कि क्रॉनिक आँख रबिंग जब किसी लोगों को होती है, उन लोगों में भी केराटोकोनस के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। कुछ जनरल डिजीज़ जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन और शरीर की दूसरी बीमारियां जैसे कि कुछ कोलाजन वास्कुलर डिजीजेस में भी केराटोकोनस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये बीमारी होने पे क्या करना चाहिए? अगर आपको ये बीमारी है या आपको लगता है कि आपके बीमारी के लक्षण होते हैं तो आँखों की चेकअप करवाना ज़रूरी हो जाता है। चेकअप में आपकी आँखों का चश्मे का नंबर चेक किया जाएगा, जिसमें कि आपकी आँखों में कितना सिलेंड्रिकल पावर है वो देखा जाएगा, साथ ही साथ चश्मे के साथ और चश्मे बिना आपकी नज़र कितनी है वो चेक की जाती है। उसके बाद इसके डायग्नोसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक टेस्ट, जिसको हम कॉर्नियल टोपोग्राफी कहते हैं। कॉर्नियल टोपोग्राफी एक तरीके का कॉर्निया का मैप है, जिसमें अलग अलग कलर कोडेड मैप के द्वारा हम कॉर्निया की कर्वेचर यानी कि कॉर्निया की जो स्टीपनेस है वो हम देख सकते हैं। कुछ केसेस में ये कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर इस डिजीज़ का हम जाँच कर सकते हैं। तो जब आपको कॉर्नियल टोपोग्राफी पे ये डिजीज़ पकड़ी जाती है, केराटोकोनस अगर होता है, तो आपने क्या करना चाहिए? पहली चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि ये डिजीज़ जो होती है वो प्रोग्रेसिव होती है। पर क्या हर एक में ये डिजीज़ प्रोग्रेस होती है? जी नहीं। केराटोकोनस के प्रोग्रेशन के चांसेस ओनली 30-40% होते हैं और ये प्रोग्रेशन के चांसेस आई रबिंग से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको केराटोकोनस का डायग्नोसिस हो जाता है तो आई रबिंग जहाँ तक हो सके अवॉइड करनी ज़रूरी हो जाती है। ये डिजीज़ यूजुअली यंग लोगों में, 25 साल से कम की उम्र के लोगों में प्रोग्रेसिव होती है। 25 साल के बाद इसकी प्रोग्रेशन की रेट अपने आप कम हो जाती है, पर इसका सबसे ज़्यादा प्रोग्रेशन अराउंड 15 से 20 साल की एज के बीच में देखा गया है। साथ ही साथ फीमेल्स में प्रेगनेंसी के टाइम पे ये डिजीज़ काफ़ी हद तक बढ़ सकती है, तो ये देखना ज़रूरी है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो ये डिजीज़ की चेकअप करवा लीजिए। अगर आपको ये डिजीज़ होती है तो इसके क्या क्या इलाज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं? तो बेसिकली ये जानना ज़रूरी है कि ये केराटोकोनस अगर आपको बीमारी है तो ये रिवर्स नहीं होती है। ये जिस स्टेज पे हो जाती है, आप अगर इसे पकड़ते हैं तो उस स्टेज पे ही उसको रोकने के लिए आपके पास एक प्रोसीजर अवेलेबल है, जिसको हम कोलाजन क्रॉस लिंकिंग कहते हैं। इस प्रोसीजर में एक स्पेशल अल्ट्रावायलेट लाइट दी जाती है और साथ ही साथ एक स्पेशल डाई जिसे हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, ये दोनों के यूज से हम कॉर्निया की स्टिफनेस बढ़ा सकते हैं और उसके साथ कॉर्निया को और बल्ज होने से बचा सकते हैं। तो ये प्रोसीजर कब करना चाहिए? जब आपको केराटोकोनस डायग्नोस हो जाता है तब तुरंत करवाना चाहिए? जी नहीं। केराटोकोनस को अगर हम प्रोग्रेसिव डिजीज देखते हैं कि जिसमें अगर प्रोग्रेशन डॉक्यूमेंट हो गया है तभी ये ट्रीटमेंट की जाती है। पर कुछ केसेस में जब आपकी केराटोकोनस ऑलरेडी काफ़ी एडवांस हो चुकी है और हम प्रोग्रेशन के लिए नहीं रुक सकते हैं, उन केसेस में हमें कोलाजन क्रॉस लिंकिंग पहले डायग्नोसिस पे ही करना ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ अगर आपकी कॉर्निया की थिकनेस कम है और आप फीमेल पेशेंट जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो कोलाजन क्रॉस लिंकिंग प्रेगनेंसी के पहले ही कर देना बेटर हो जाता है। तो ये प्रोसीजर करने के साथ क्या आपका चश्मे का नंबर चला जाता है या आपकी केराटोकोनस ठीक हो जाती है या आपकी नज़र बढ़ जाती है?
नहीं, कोलेजन क्रॉस लिंकिंग का सिर्फ एक ही इंडिकेशन है कि वो प्रोग्रेसिव केराटोकोनस को बढ़ने से रोक देता है। ना इससे आपके चश्मे का नंबर बेहतर होता है, ना आपकी नज़र इम्प्रूव होती है, ना ही केराटोकोनस रिवर्स हो सकता है। तो अभी आपकी नज़र इम्प्रूव कराने के लिए आपके लिए क्या क्या उपाय अवेलेबल हैं? जो अर्ली केसेस ऑफ केराटोकोनस होते हैं उनको चश्मे के नंबर द्वारा ही हम उनकी विजन को इम्प्रूव कर सकते हैं। मॉडरेट केसेस और सीवियर केसेस में चश्मे से उनकी नज़र पूरी तरीके से इम्प्रूव की नहीं जा सकती है, तो उन केसेस के लिए हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज या रिजिड कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करके हम उनकी विजन की इम्प्रूव कर सकते हैं। इस लेंसेज के अलग अलग टाइप होते हैं। एक टाइप होती है RGP लेंस, दूसरी होती है रोज के लेंस, और तीसरी लेंस होती है हाइब्रिड लेंस। इसके साथ ही साथ कुछ केसेस जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस होते हैं उसमें ये लेंसेज नहीं बैठ सकते हैं, तो उन केसेस में लार्ज डायमीटर स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज बिठा के हम इनकी विजन इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे इन लोगों का चश्मे और लेंसेज से मुक्ति मिल सकती है। अगर आपके केराटोकोनस माइल्ड और मॉडरेट है और आपका नंबर स्टेबल है और आपकी कॉर्निया की इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एक प्रोसीजर होता है जिसको हम ICL कहते हैं, जिस केस में आपकी आंखों में एक स्पेशल लेंस बिठाई जाती है जो कि परमानेंट लेंस होती है। उसे आपकी आंखों का चश्मे का नंबर काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है और आपको चश्मे से इंडिपेंडेंस दिलाई जा सकती है। और अगर आपकी केराटोकोनस बहुत ही अर्ली है और आपकी कॉर्निया की थिकनेस काफ़ी अच्छी है, तो PRK लेज़र करके और उसके साथ ही साथ कोलेजन क्रॉस लिंकिंग करके हम आपकी कॉर्निया का थिकनेस बहुत कम ना करते हुए भी आपको चश्मे से मुक्ति दिला सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपका केराटोकोनस स्टेबल है और इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इंटैक्स करके एक प्रोसीजर है जिसमें कॉर्निया के अंदर रिंग्स बिठा के भी कॉर्निया को रेगुलराइज किया जा सकता है और फ्लैट करके आपको चश्मे से काफ़ी हद तक मुक्ति दिला सकते हैं। अगर कॉन्टैक्ट लेंसेस और चश्मा दोनों से भी आपके नंबर में और नज़र में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आपके पास दूसरा क्या ऑप्शन बचता है? तो केराटोकोनस में अगर बहुत सीवियर हो जाती है डिजीज़, तो उसमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन होता है, जिसमें आपके कॉर्निया के ऊपर की परत ही बदली करके हम आपका कॉर्निया को पार्शियल थिकनेस कॉर्निया ट्रांसप्लांट करवा के आपकी नज़र को इम्प्रूव करा सकते हैं। कॉर्निया ट्रांसप्लांट एक प्रोसीजर होता है जिसमें एक डोनर कॉर्निया, मतलब जिसमें आई बैंक से डेथ के बाद जो कॉर्निया अवेलेबल होती है उसके आगे के लेयर्स लेके आपके डिजीज कॉर्निया के आगे के लेयर्स निकाल के उसको रिप्लेस किया जाता है। ये सर्जरी में 12 से 16 टांके लगते हैं और इसकी रिकवरी कुछ दिनों से महीनों तक जाती है। इन टांकों को धीरे धीरे निकाला जाता है और फिर चश्मे का नंबर प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस सर्जरी के बाद आपको लंबे समय तक फॉलोअप करवाना और ड्रॉप की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ओवरऑल केराटोकोनस एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जिसमें आपकी नज़र कमज़ोर हो सकती है, पर यह डिज़ीज़ से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमारे पास अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको लगता है कि आपके चश्मे का नंबर रिपीटेडली चेंज होते रहा है और आपकी विजन चश्मे के द्वारा भी अच्छी नहीं हो रही है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। हम जाँचों के द्वारा पता करेंगे कि आपको केराटोकोनस है कि नहीं और इसकी सही ट्रीटमेंट के ऑप्शंस आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।